हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे नवरात्र पर्व की हमारे जीवन में क्या महत्व है। फ्रेंड्स, हमारे NS चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रैक्टिकल जानकारी पाने के लिए। एक समय की बात है कि एक महिष्मासुर नाम का राक्षस रहता था। वह शरीर से आधा मानव आता था, आधा असुर था। वह कठिन तपस्या करता था। एक बार ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और बोले कि क्या मांगते हो। महिषासुर ने बोला कि हमें तीनों लोक में कोई ना मार पाए। ब्रह्मा जी बोले तथा अस्तु, ऐसा ही होगा, और चले गए। कुछ दिनों के बाद महिषासुर बहुत ही अहंकारी हो गया और तहलका मचाने लगा और स्वर्ग लोक में जाकर सबको परेशान करने लगा और खदेड़ने लगा। तभी सभी लोग देवता परेशान हो कर के ब्रह्मा और विष्णु महेश जी के पास आए। सभी देवता ने शंकर भगवान के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा। तब सभी लोगों के आम सहमति से एक तीव्र प्रकाश की उत्पत्ति किए और उससे एक सुंदरी का निर्माण किए और उससे बोले, उसको तरह तरह के हथियार से सुसज्जित किए, चक्र, गदा, धनुष, त्रिशूल इत्यादि से सुसज्जित कर दिए। फिर जिधर यह महिष्मासुर रहता था उधर सुंदरी चल पड़ी। यह बात जब पता चली तो महिषासुर बोला कि मैं तुमसे सुंदरी शादी करना चाहता हूँ। फिर सुंदरी ने बोली कि तब हमसे शादी करने के लिए तुमको हमें से युद्ध करना पड़ेगा। फिर महिष्मासुर और सुंदरी में युद्ध शुरू हो गया और करीब यह लड़ाई 10 दिनों तक चली, जिसमें महिष्मासुर की वध हो गई और सुंदरी की जीत हुई। यह सुंदरी कोई साधारण नहीं थी, आदि शक्ति माँ दुर्गे की अवतार थी। तभी से हम लोग इस नवरात्र में नौ रूप देवी का हम लोग 9 दिन श्रद्धा भाव उल्लास के साथ पूजा आराधना करते हैं तथा नवरात्र में 9 दिन भूख फलहार रह करके अपने घर पूजा अर्चना दीप जला कर के सुबह शाम श्रद्धा से पूजा करके और सभी समुदाय देश की कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है, इसलिए विजयदशमी के दिन भगवान राम के द्वारा भगवान राम के द्वारा रावण की वध की जाती है। तब दशहरा की समाप्ति हो जाती है।